आजकल हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को हुआ क्या है, एक विवाद खत्म नहीं होता कि दूसरा विवाद शुरू होता है और दूसरे को जैसे ही राहत मिलती है तीसरा अपने आप खड़ा होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या हुआ, अब हुआ तो कुछ नहीं है लेकिन बवाल बहुत तेज बनाया जा रहा है। जी हाँ, हम आपको आज एक ऐसी खबर दे रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपको ये जरूर लगेगा कि इसमें तो कोई विवाद खड़े करने जैसी कोई चीज नहीं है, फिर भी इसमें इतना बड़ा विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है। आप सभी को पता है प्रदीप पांडे चिंटू और खेसारी लाल एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, एक दूसरे को जरा भी पसंद नहीं करते। अब ऐसे में अगर एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई भी मौका मिल रहा है तो ये दोनों छोड़ना भी नहीं चाहते। हाल ही में कुछ दिनों पहले एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रदीप पांडे चिंटू से जब ये पूछा गया कि पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और दिनेश लाल यादव निरहुआ, इन तीनों में से आप किसके साथ काम करना चाहेंगे, यहाँ पर प्रदीप पांडे चिंटू ने दो सुपरस्टार का नाम लिया, पहले दिनेश लाल यादव निरहुआ और दूसरे पवन सिंह, इन दोनों को अपना आदर्श बताया। और लेकिन जब तीसरे की बात आई यानी कि खेसारी लाल यादव की बात आई तो उन्होंने उनका नाम भी नहीं लिया। ऐसा लगा कि खेसारी लाल यादव को प्रदीप पांडे चिंटू ने अपनी इस लिस्ट से पूरी तरह से बाहर फेंका हुआ है। वैसे ये विवाद नया नहीं है, खेसारी का विवाद उनके पिता यानी प्रदीप पांडे चिंटू के पापा राजकुमार पांडे से भी चल रहा है। खैर वो सारी बातें चलिए हम एक तरफ रखते हैं, लेकिन अब खेसारी लाल यादव को मिला मौका। भाई खेसारी लाल यादव अभी एक दो दिन पहले ही लाइव आए थे जिसमें उन्होंने दो सेलिब्रेशन एक साथ किया। पहला उन्होंने एक्ट्रेस रितु सिंह का बर्थडे सेलिब्रेट किया और मिलते मरद भुलाए गेलू को 300 मिलियन व्यूज मिला है, उसकी खुशी और उसका धन्यवाद लोगों को उन्होंने जाहिर किया। खैर ये सब तो ठीक था क्योंकि सेलिब्रेशन करना किसी भी चीज का बुरी बात नहीं होती है, अच्छी बात होती है। अब आपको हम मेन मुद्दे पे आते हैं। हुआ वहां ये कि खेसारी लाल यादव ने रितु सिंह से कहा कि रितु जरा कैमरे को फ्रंट में कीजिए और खेसारी लाल यादव की बात मानते हुए रितु सिंह ने कैमरे को फ्रंट में किया और खेसारी लाल यादव ने मेहंदी लगा के रखना 3 के जितने भी स्टार कास्ट हैं सभी का परिचय करवाया, यहाँ तक कि रितु सिंह की माँ को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने उनका भी परिचय कराया। अब यहाँ पे दो लोग ऐसे हैं जिनका परिचय स्पेशली उन्होंने शायद कुछ ज्यादा ही कराया, एक अनंजय रघुराज और दूसरे रजनीश मिश्रा। दोनों ने मेहंदी लगा के रखना पार्ट 1 को भी बनाया था, पार्ट 2 और अब पार्ट 3 भी यही बना रहे हैं। तो अब आप ये जानना चाहते होंगे कि हुआ ऐसा वहां क्या, तो भाई खेसारी लाल यादव ने यहाँ पे एक बात कही, अनंजय रघुराज और रजनीश मिश्रा को धन्यवाद किया और कहा कि मेहंदी लगा के रखना में इन्होंने जो योगदान दिया है उसके लिए, और अब मेहंदी लगा के रखना 3 के लिए भी इनका धन्यवाद करना वो नहीं भूले। यहाँ पर मेहंदी लगा के रखना 2 की बात हुई। अब आपको तो पता ही है कि इस फिल्म में प्रदीप पांडे चिंटू नजर आए थे। अब ये बात जहाँ से उस ग्रुप में लोगों ने की तो भाई दूसरी फिल्म भी प्रदीप पांडे चिंटू की काफी बेहतरीन थी, तो उन्होंने ये कहा कि मैं तो इन्हें जानता ही नहीं, यानी खेसारी लाल यादव ने रिप्लाई किया कि मैं तो इन्हें जानता नहीं, कौन है ये, हो सकता है इंडस्ट्री में नए आए हों। भाई अब खेसारी लाल यादव अगर ये बात कह रहे हैं तो थोड़ा ताज्जुब होता है क्योंकि प्रदीप पांडे चिंटू के पापा की फिल्म राजकुमार पांडे की फिल्म में खेसारी लाल यादव बकायदा हीरो नजर आ चुके हैं। अब अगर वो ये कहते हैं कि वो प्रदीप पांडे चिंटू को नहीं पहचानते तो ये बहुत बड़ी बात होगी। वैसे कई मौके पे प्रदीप पांडे चिंटू ने भी खेसारी लाल यादव को नीचा दिखाने की कोशिश की है और जब भी खेसारी को मौका मिलता है तो वो प्रदीप पांडे चिंटू को भी नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटते। वैसे भी देखा जाए उम्र और एक्सपीरियंस के मामले में खेसारी लाल यादव प्रदीप पांडे चिंटू से बड़े हैं और थोड़ा आगे भी हैं। भले ही खेसारी लाल यादव जब लाइव आए तो इस बात पे लोगों ने उतना गौर नहीं किया, लेकिन कुछ लोगों ने इस पे गौर भी किया और अब YouTube पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस पर वीडियो बना रहे हैं और एक नई जंग छेड़ रहे हैं। तो उनसे ये अपील है कि इस चीज में इतनी बड़ी बात नहीं है कि जिसे इतना हाईलाइट किया जाए।
ये सब जानते हैं कि प्रदीप पांडे चिंटू और खेसारी लाल यादव में मतभेद है। आई होप मन भेद ना हो। और किसी के भी मतभेद को इस तरह से उजागर करना और एक नई जंग छेड़ना भोजपुरी के लिए अच्छा नहीं है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।